दोस्तों अभी बीते पिछले हफ्ते एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप ठीक तरीके से सारे मैन्यूवर कर चुका था। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को बड़े आसानी के साथ में कर गया था और लैंडिंग भी कर चुका था। सब चीज़ें सही रही थी, लाइव स्ट्रीम बंद हुई और लाइव स्ट्रीम बंद होने के ठीक बाद ही ये एक्सप्लोड हो गया, जो कि कोई भी एक्सप्लेन कर नहीं पाया कि ये आखिर हुआ किस वजह से था। सब चीज़ें तो सही हो गई थी तो फिर ये दिक्कत क्यों हुई थी। तो इसके ऊपर एलोन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि भैया SN10 का जो इंजन था उसका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा लो हो रखा था जैसे ही वो लैंड कर गया था, जिसकी वजह से पार्शियल हीलियम इंजेक्शन हुआ फ्यूल टैंक के हेडर के अंदर, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोड हमें देखने को मिला, जिसको हम अब फिक्स कर देंगे और अगला जो टेस्ट होगा वो अब तक का सबसे बढ़िया टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो अब तक सही कर गए स्टेप बाय स्टेप। अब एक और दिक्कत हमें सामने मिली है तो उसको भी फिक्स करेंगे और उसके बाद में अचीव कर पाएंगे एक सक्सेसफुल लैंडिंग को। दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि चाइना और रशिया दोनों ही मिलकर अब इंटरनेशनल स्टेशन क्रिएट करने वाले हैं मून के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा है इंटरनेशनल लूनर साइंस स्टेशन, जो कि वो मून के ऊपर बनाएंगे दोनों कंट्री मिलके। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इन दोनों ही कंट्री के लिए ओपन होगा। दरअसल इनका कहना है कि भैया ये प्रोजेक्ट दूसरी कंट्रीज के लिए भी ओपन होगा और वो भी अपनी रिसर्च के लिए उस स्टेशन पर जा पाएंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये शायद नासा के आर्टेमिस मिशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा यूएस सेंट्रिक मिशन है, जहां पर नासा का मून मिशन 2024 जो है वो लाइन पर तो लगा हुआ है, वो ठीक तरीके से चल भी रहा है और इन द एंड शायद हमें देखने को मिल भी जाएगा कि भैया 2024 के वक्त में नासा अपने एस्ट्रोनॉट मून पर भेज देगा। लेकिन उसके अंदर चाइना का तो नाम हो ही नहीं सकता, लेकिन रशिया के साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का चल रहा है उनका नाम शायद हो सकता था इसके अंदर, लेकिन उनका कोई भी जना इसके अंदर है नहीं, जिसकी वजह से इन दोनों का प्लान ये बनाया कि भैया हम दोनों मिलकर बनाएंगे मून के ऊपर अपना स्पेस स्टेशन, जिसके लिए हम दूसरों को भी कहेंगे कि भैया आके यहाँ पर जो करना है आप कर सकते हो, ये इंटरनेशनल स्टेशन है मून का। दोस्तों आजकल हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर व्हाट्सएप को तो रोजाना ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज आ रही है आईफोन यूजर्स के लिए कि भैया आईफोन यूजर्स के लिए व्हाट्सएप अपना सपोर्ट शायद बंद कर सकता है अगर वो iOS 9 के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। तो उनको अपडेट करना होगा अपना iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, वरना उनके लिए व्हाट्सएप काम नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप की अपडेट अब सिर्फ iOS 9 से ऊपर के वर्जन को ही सपोर्ट करेगी। अगर आपके पास में कोई ऐसा आईफोन है जो कि iOS 9 से भी नीचे का वर्जन चला रहा है या फिर iOS 9 ही चला रहा है, तो भैया व्हाट्सएप आपके लिए नहीं है, आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना आईफोन, तब जाके आप व्हाट्सएप को यूज कर पाओगे। खैर iOS 9 तो वैसे बहुत ही पुराने मॉडल के लिए हो जाएगा, बाकी जो iPhone 5 है शायद उसको भी iOS 10 की अपडेट मिल रखी है। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है कि अगर किसी ने अपडेट नहीं कर रखी तो अपडेट कर लेना, वरना शायद आपको WhatsApp से हाथ धोना पड़ सकता है, आपके फ़ोन में चलेगा ही नहीं। दोस्तों गूगल का क्रोम OS अब ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट करने वाला है, जिसकी वजह से अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अब अपने OS को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब जो यूज़र इंटरफेस है उसको रीडिज़ाइन करेंगे और इसी के साथ साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट टूल और ऐड करेंगे इसके अंदर, और जो एग्जिस्टिंग है जैसे कि फ़ोन हब उनको और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, ताकि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को और आसानी से एक्सेस कर पाओ और इसी के साथ साथ देख पाओ कि उसकी बैटरी कितनी है और इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी में क्या चल रहा है, और इसी के साथ साथ क्रोम का और इसी के साथ साथ एंड्रॉयड का सिंक्रोनाइजेशन कुछ इस तरीके का होगा कि अगर आपके क्रोम OS ने किसी वाईफाई नेटवर्क को ट्रस्ट कर रखा है तो आपका एंड्रॉयड भी बड़े आसानी के साथ में उसको एक्सेस कर पाएगा विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड, मतलब दोनों की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से दोनों अपने अपने नेटवर्क को ट्रस्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं और अपनी रील वगैरह बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और सोचते हैं कि यार हमारे को व्यू वगैरह क्यों नहीं आ रहे, तो उनको बहुत ही जल्द शायद आने लग सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम रील को प्रमोट भी किया जा सकता है और जो यूज़र आपको देख रहे होंगे वही हेल्प करेंगे आपको प्रमोट करने में, जो कि एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। दोस्तों आजकल के वक्त में हैकिंग के अटैक बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि आपने अभी पिछले साल ही देखा होगा कि ट्विटर के बहुत बड़े बड़े यूजर्स के अकाउंट ही हैक कर लिए गए थे, जहाँ पर बिटकॉइन की डोनेशन चल रही थी और लोग पैसे लगा रहे थे कि भैया डबल बिटकॉइन मिलेंगे, एलोन मस्क ने कह दिया, और इसी तरीके के बहुत बड़े बड़े यूजर्स के अकाउंट भी हैक हुए थे। और यहाँ पर साल के एंड में सोलर विंड, जो कि साल का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक था, वो भी हुआ, और यहीं पर अब एक खबर आ रही है कि भैया 1.5 लाख सर्वेलेंस कैमरा को हैक कर लिया गया है, जो कि एक
वर्काडा नाम का एक नेटवर्क है जो कि सर्वेलेंस कैमरा की एक कंपनी है जो कि लगाती है हॉस्पिटल में, टेस्ला की फैक्ट्री के अंदर भी लगा रखे हैं, जेल में भी लगा रखे हैं, और इन सभी को हैक कर लिया गया था एक हैकिंग ग्रुप के द्वारा, जहां पर स्विफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि एक हैकिंग ग्रुप के अंदर भी रह चुका है, उसने बताया था इस हैकिंग अटैक के बारे में और डिटेल भी दी थी कि किस किस तरीके से ये हुआ होगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया ये जो वर्कैड नेटवर्क है इनका नेटवर्क बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से 1.5 लाख सर्वेलेंस कैमरा हैक हुए हैं यूएस के अंदर, जहां पर टेस्ला क्या, हॉस्पिटल क्या, जेल क्या, स्कूल क्या, सभी को हैक कर लिया गया और सबकी फुटेजेस बहुत ही हाई क्वालिटी में इनको मिली है, जो भी हैकिंग ग्रुप थे। दरअसल ट्विटर के ऊपर इन फुटेजेस के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे, तब जाके पता लगा था कि भैया ये कांड भी हो चुका है, और पता नहीं कितने कांड हो रहे होंगे इस वक्त में भी जिसके बारे में पता नहीं है। हाँ, प्रूफ आप दे दो तो पता लग जाता है कि भैया ये इंसिडेंट हो चुका है, और अगर ना दिया जाता तो शायद अब तक ये चल ही रहा होता। दोस्तों, रशिया काफ़ी टाइम से ट्विटर को किसी कंटेंट को हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन ट्विटर ने उनकी बात मानी नहीं, जिसकी वजह से रशिया ने ट्विटर का जो नेटवर्क है वो स्लो कर दिया है अपनी कंट्री के अंदर, और जितने भी ट्विटर यूज़र हैं रशिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्लोली लोड हो रहा है ट्विटर, जिसकी वजह से वहाँ पर यूज़र बेस थोड़ा सा कम देखने को मिला है ट्विटर पे। दोस्तों, वैसे तो एक चीज़ देखी जाती है, जो इंटरनेट के कमर्शियल प्लान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर जियो ने छोटे मोटे बिजनेस वगैरह को सस्ते इंटरनेट देने का तय किया है, जो कि 100 Mbps से लेकर उससे ज़्यादा भी हो सकता है जो कि उनको मिलेगा, वो भी बहुत ही सस्ते रेट में, ऑलमोस्ट 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। डिपेंड करेगा कि भैया बिज़नेस छोटा है या बड़ा, अगर बड़ा है तो फिर भैया मोटा पैसा देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है। We'll be right back.